बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी वाली चिट्ठी, सिद्धू मूसेवाला की तरह हाल करने का जिक्र। सलमान खान के पिता सलीम खान को भी मिली धमकी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। मुंबई पुलिस ने सलमान और सलीम खान को धमकी का केस दर्ज किया, अभिनेता के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। सलीम खान की शिकायत पर दर्ज हुई FIR, मुंबई की पुलिस ने बढ़ाई उनके घर की सुरक्षा। 2021 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या कराने की साजिश कबूली थी, गैंगस्टर संपत नेहरा ने की थी रेकी लेकिन नहीं हो पाया था कामयाब और बाद में हो गई थी गिरफ्तारी। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 8 शूटर्स के शामिल होने का शक, जांच एजेंसियों को मिले सुराग, उनमें से एक आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक 3 शूटर्स पंजाब के, 2 हरियाणा के, 2 शूटर्स पुणे के रहने वाले। सूत्र के हवाले से खबर, सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ताबड़तोड़ रेड। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले को लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाब पुलिस की दबिश, एक और संदिग्ध पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी देवेंद्र उर्फ काला पर हत्याकांड के 2 संदिग्धों को शरण देने का आरोप, पूछताछ कर सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में खुलासा, लॉरेंस से 5 करोड़ फिरौती वसूलने वाला गैंगस्टर डागर था टारगेट, फेल हुए तो मूसेवाला को मारा। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो आया सामने, एक लड़का सेल्फी लेते दिखा, उसी पर शूटर्स को फोन करने का शक। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, 5 दिन बढ़ी रिमांड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट को दी जानकारी, कहा बीते 5 दिन में लॉरेंस को पलवल, सोनीपत और बहादुरगढ़ ले जाकर की गई है जांच। स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा सुरक्षा वजहों से लॉरेंस को पंजाब नहीं ले जा रहे, पंजाब पुलिस को जानकारी शेयर कर कराई जा रही है जांच। सलमान खान को धमकी मामले में आज दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से की पूछताछ, कनेक्शन को लेकर दागे कई सवाल। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को नहीं मिली चंडीगढ़ हाईकोर्ट से राहत, अदालत ने कहा आरोपी तिहाड़ जेल से बंद, लिहाजा वहीं दाखिल करे याचिका। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस प्रमुख गुरु पतवंत सिंह पन्नू के वीडियो को लेकर सतर्कता, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। पन्नू ने कुछ दिन पहले जारी किया था वीडियो, पंजाब के टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और दलप्रीत बरार को खालिस्तान मूवमेंट में शामिल होने का दिया गया न्यौता। खुफिया एजेंसी को अलर्ट, कहा सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय किए जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बढ़ती पर सुरक्षा इंतजामों के बीच अमृतसर में लगे खालिस्तान समर्थक नारे, पाकिस्तान के समर्थन में भी नारेबाजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बढ़ती को लेकर पंजाब में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, करीब 6,000 जवानों की तैनाती। अमृतसर पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में तैनात, सभी जत्थेबंदियों के साथ अमन शांति को लेकर हुई बैठक। अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह का विवादित बयान, बोले सिखों को अभी आजादी नहीं मिली, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किया गया। हरप्रीत सिंह ज्ञानी ने कहा सिखों को अब हथियारों की ट्रेनिंग जरूरी, धार्मिक ताकत को बढ़ाने की जरूरत। आजहर बाइक टकराने के बाद 2 समुदाय में जमकर पथराव, झड़प से कई लोग घायल। IG और SSP के समझाने के बावजूद होता रहा हंगामा, दोनों पक्षों ने काफी देर तक एक दूसरे पर बरसाए ईंट और पत्थर। निर्माणाधीन सड़क बनने के दौरान स्लिप हुई बाइक, एक युवक से टकराने के बाद शुरू हुआ था विवाद। व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था और डिसबैलेंस हुआ और दूसरे व्यक्ति के चोट लग गई, उसमें दोनों आपस में झगड़ने लगे और हल्की फुल्की उनकी चोट लगी। आगरा के ताजगंज में विवाद के बाद फिलहाल हालात काबू में, इलाके में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी की नसीहत वाली चिट्ठी, लिखा सभी लोगों को सभी धर्मों का करना चाहिए पालन, धर्म पूजनियों का अपमान नहीं किया जाएगा स्वीकार। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर गिरीगाज, पार्टी ने किया सस्पेंड। सस्पेंशन के बाद नुपुर शर्मा की सफाई, मेरे शब्दों को किसी की धार्मिक भावनाओं को पहुंची हो ठेस तो मैं अपने शब्द लेती हूं वापस। नुपुर शर्मा ने अपनी और अपने परिवार की जान को बताया खतरा, अपने घर का पता सार्वजनिक नहीं करने की अपील की। सोशल मीडिया पर मिली धमकियों को लेकर नुपुर शर्मा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपियों में अज्ञात नामों का जिक्र। बीजेपी ने से निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में आए ज्ञानवापी मामले के वकील विष्णु शंकर जैन, कहा मैं उनके साथ हूं। नुपुर के अलावा बीजेपी ने दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल पर भी की कार्रवाई, पार्टी से क्या बर्खास्त। नवीन कुमार जिंदल के बयान को बीजेपी ने पार्टी के मूल विचार के विरोधी बताया, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार किए थे प्रकट। विवादित नेताओं पर बीजेपी के एक्शन लेकर कांग्रेस का तंज, पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला बोले 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पाकिस्तान ने जताई नाराजगी, PM शाहबाज खान ने की कड़ी निंदा। कानपुर हिंसा में शामिल 9 और आरोपियों की गिरफ्तारी, सभी का नाम FIR में दर्ज, अब तक कुल 38 गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया, MM जौहर फैंस एसोसिएशन कानपुर टीम के नाम से बनाया गया था ग्रुप।
सूत्रों के हवाले से खबर, व्हाट्सएप ग्रुप पर 3 जून से पहले मार्केट बंद करने की फोटो डाली जा रही थी। मुख्य साजिशकर्ता अयाज जफर आशमी की पत्नी थी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन, उससे ही पुलिस कर रही है पूछताछ। 3 जून के हिंसा के बाद नई सड़क के आसपास की ऊंची इमारतों की होगी जांच, वैसी इमारतों से पथराव की खबर, कानपुर पुलिस का फैसला। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन, घनश्याम लोधी भरेंगे नामांकन पर्चा। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लड़ सकती हैं चुनाव, आजम खान थोड़ी देर बाद खुद कर सकते हैं ऐलान। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के लिए किया है राशि। यूपी में लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस, 2024 के चुनाव की तैयारियों का दिया हवाला। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का ऐलान, केवल सिंह ढिल्लन होंगे पार्टी के उम्मीदवार। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए सुशील आनंद की चुनाव आयोग को चिट्ठी, कहा वोटर लिस्ट में मेरे 2 जगह नाम, इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव। वरुण गांधी ने फिर सरकार पर उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा देश में 7 लाख से ज्यादा पद हैं खाली, फिर भी रोजगार के अवसर नहीं है। समस्तीपुर में 5 लोगों की मौत से गरमाई की आसत, आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने किया वार, कहा आर्थिक तंगी वजह से खुदकुशी, राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा और काला धब्बा। आज फिर सत्येन जैन के ठिकानों पर दिल्ली में ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हवाला ऑपरेटर्स को लेकर हो रही है जांच। प्रधानमंत्री ने जन समर्थन पोर्टल का किया शुभारंभ, सभी सरकारी योजनाओं को एक क्लिक भर से मिलेगी जानकारी। यूपी विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त रूप से राष्ट्रपति ने किया संबोधन, सभी दलों के नेताओं ने किया स्वागत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मिले अभिनेता अनुपम खेर, स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज को भी शिष्टाचार भेंट। नवाब मलिक ने राठौर चुनाव में वोटिंग के लिए कोर्ट से मांगी मोहलत, ईडी करेगी विरोध। बीजेपी में शामिल हुए आरडी करियर की सुरक्षा बढ़ाई गई, आईबी के इनपुट के बाद फैसला, 24 घंटे रहेगा सुरक्षा घेरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर खाई में गिरी बस, अब तक 26 लोगों के शव बरामद। बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, हादसे के बाद मौके पर बिखरी पड़ी दिखी लाशें। बस में 30 से ज्यादा लोग थे सवार, पिथौरागढ़ के रहने वाले ड्राइवर समेत 4 की बाल बाल बची जान। पूरी रात चला 200 फीट गहरी खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी घायलों को देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस हादसे में जान गंवाने वाले तीर्थयात्रियों को पोस्टमार्टम देहरादून के जॉली ग्रांड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। चारधाम यात्रा पर जा रहे बस में सवार यात्री, रविवार शाम करीब 7:45 हुआ हादसा, गहरी खाई और अंधेरा होने की वजह से शवों को सड़क तक लाने में हुई दिक्कत। हादसे में बस के पर खच्चे उड़े, जिस जगह हुआ हादसा वहां यमुनोत्री हाईवे सकरा, इसको चौड़ा करके ऑल वेदर रोड बनाने का काम जारी। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खड्ड क्षेत्र में हुआ हादसा, हरिद्वार से यमुनोत्री धाम जा रही थी बस। सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा, हालात पर पूरी नजर। मौके पर पहुंचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले सभी शव विशेष विमान से भेजे जाएंगे छतरपुर, फिर वहां से पन्ना ले जाने की तैयारी। उत्तराखंड हादसे के बाद रेस्क्यू में एनडीआरएफ टीम जुटी, सभी शव मिले भेजा गया मध्यप्रदेश। उत्तराखंड सरकार का मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा, शिवराज ने 5-5 लाख आर्थिक मदद का किया ऐलान। सभी मृतक मध्यप्रदेश के पन्ना के रहने वाले, पीड़ित परिवारों में पसरा है मातम। उत्तराखंड हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक, जिन लोगों ने परिजनों को खोया उनके प्रति शोक संवेदना। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 2 अहम सुनवाई, कथित शिवलिंग पर वजू कराने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर फैसला संभव। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर भी सुनवाई, वेकेशन जज से सुनवाई की मांग। आमना रंजन में बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आज 3रा दिन पूजा की मांग की जिद पर अड़े। तमिलनाडु के कुडलौर में गडिलाम डैम में हादसा, डूबने से 7 लड़कियों की गई जान, केस दर्ज। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने परिजनों को सांत्वना दी, हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया खेद। महाराष्ट्र के वाशिम में खेत में बने टीन शेड में लगी आग, कई मवेशी और बाइक जलकर खाक। राजधानी में हिट एंड रन का वीडियो वायरल, एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, अर्जुनगढ़ इलाके की वारदात। पीड़ित बाइक सवार के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार नोकझोंक के बाद मारी गई टक्कर, दिल्ली पुलिस मामले की कर रही है जांच। लखनऊ में डंपर और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। सीकर में नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। डोडा के भगवा तहसील में वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़, आरोपियों का सुराग नहीं। सीकर में एक मकान से लाखों की नकदी और जेवर की चोरी, शादी में गया था परिवार, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के भलसुआ लैंडफिल में लगी आग, अब तक काबू नहीं पाया गया आग पर, लोगों की बड़ी परेशानी। आईटीबीपी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 22,850 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास का बनाया रिकॉर्ड, सामने आई तस्वीरें। गुजरात बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी, 65% छात्र पास। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में मूसलाधार बारिश, बेंगलुरु से लौट रही कार तेज धार में बही, बाल बाल बची उसमें सवार शख्स की जान।
रॉयलसीमा जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कडप्पा में भी लोगों की बड़ी मुश्किल। असम में एक बार फिर भारी बारिश ने बरपाया कहर, चिरांग जिले में सबसे ज्यादा तबाही, उफान पर नदियां। नांगल भांगा नदी में दिखा पानी का प्रकोप, नदी पर बना बांस का पुल तिनके की तरह बहा। उत्तर भारत में 4 से 5 दिन तक बढ़ते तापमान से राहत की उम्मीद नहीं, दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बढ़ रही है मुश्किल।